इंदौर से लता दीदी का गहरा नाता रहा है। उनका जन्म इंदौर में हुआ था। आज इंदौर के लोग भी उनके जन्मदिन के मौके पर अलग अलग अंदाज में जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। देखिए आदित्य सिंह की रिपोर्ट। सुरों की कोकिला लता मंगेशकर का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को लेकर पूरे देश में उनके चाहने वालों में एक अलग ही उत्साह का माहौल है। दरअसल इस वक्त हम लता मंगेशकर के उस बर्थ प्लेस पर हैं जिसे उनका जन्म स्थान कहा जाता है और यहाँ देखने आए हैं कि किस तरह का उल्लास है और किस तरह की खुशी है। क्या है लता जी का यहाँ, क्या राजे मेहता कलेक्शन है और लता जी को कैसे याद किया जाता है, क्या हुआ था लता जी का? तो जी लता जी का यहाँ जन्म हुआ था और यहाँ पर रोज लता जी के गाने सुनते हैं हम लोग। और लता जी जब छोटी थी जब यहाँ पर रहती थी, बचपन यही कटा हुआ इनका, 6-7 महीने तक वो यही रहती थी। आज जन्मदिन है उनका। हाँ जन्मदिन है तो सर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो लता जी का जन्मदिन है, उन्हें शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं ये वो स्थान है जहाँ पर लता मंगेशकर जो है उनका जन्म हुआ था और इसी जगह पर लता मंगेशकर कुछ सालों तक रही हैं। अपने सुरों के सफर की पहली शुरुआत उन्होंने इसी स्थान से की थी। आप देख सकते हैं उनकी याद में यहाँ पर एक तस्वीर भी बनाई गई है जो सुरों की कोकिला लता मंगेशकर को इनके द्वारा दिया गया एक प्रेम है, एक सद्भावना है। 28 सितंबर का ये वो दिन था जब लता मंगेशकर यहाँ पर जन्मी थी और इंदौर ही नहीं, इंदौर में उनके चाहने वाले इस दिन को बड़े ही धूमधाम से बनाते हैं। बहुत खुशी और उल्लास का माहौल होता है क्योंकि आज सुरों की कोकिला लता मंगेशकर का जन्मदिन है। वीडियो एनलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ 8, इंदौर।